तिरपाल उरपाल लेके खेत में चल दिया। बिजली का तार है ना ये, हाई वोल्टेज वाला है। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ मेरा गांव अंदर से कैसा दिखता है। वैसे तो राम राम, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे सभी भाइयों मित्रों को। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्रांड न्यू जबरदस्त ब्लॉग वीडियो में। सुबह के 10 बज रहे हैं, मैं अभी खेत में ही था। गेहूं पूरी तरह से भाई कट चुका था और इकट्ठा भी करना था, तो सब अभी सुबह से इकट्ठा ही कर रहे थे मिलकर। ये रहा भाई और पिताजी भी थे, वो तो चले गए, तो गेहूं ही इकट्ठा कर रहे थे सारे जने मिलकर। फिलहाल देखो गेहूं उधर ढेर लगा दिया, सारा गेहूं जो अपना था सब इकट्ठा हो चुका है और बस आज ही दवा के मतलब गेहूं घर ले जाएंगे, भूसा खेत में ही छोड़ देंगे। और कंबाइन से भी हम कटवा सकते थे, पर रीज़न ये था कि हमें भूसा का भी काम था और इतनी छोटी सी जगह पे यार कंबाइन आती नहीं है, छोटी वाली मशीन आती है जिसके पैसे ज़्यादा लगते हैं। फिलहाल तो अभी बहुत मेहनत हो गई, मतलब एक हफ्ते से हम मेहनत ही कर रहे थे इस खेत में, क्योंकि हाथों से ही काटा है पूरा सारा गेहूं। और अभी दोपहर में भी हम इसकी दवाई कर सकते थे, लेकिन दोपहर में हम इसकी दवाई करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है यार, जिसकी वजह से सारा भूसा ना चला जाएगा दूसरे गाँव उड़ के। तो भूसे को भी बचाना है, हमारे पास जानवर है, इसीलिए दिन में नहीं करेंगे, शाम को दवाई करेंगे। शाम को हवा भी कम हो जाएगी और दो चार आदमी भी मिल जाएंगे हमें दवाने के लिए, तो जिससे हमारी मदद हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि आप तीन चार जने मिलके तो नहीं दा सकते, बड़ा वाला थ्रेसर रहता है तो उसमें लोग लगते हैं, पाँच छः लोग लगते हैं अगर अच्छे से जल्दी काम करवाना है आपको तो। शाम तक आदमी भी मिल जाएंगे हमें काम के लिए, और शाम को दवाएंगे तो भूसा भी नहीं उड़ेगा, हमारा भूसा भी सेफ रह जाएगा, अनाज भी हमें मिल जाएगा। तो भाई ये देखो खरा सोना अपने खेत में पड़ा हुआ है, 130-140 दिन की मेहनत है, ये लाइन से लगा रखे कट्टे, और शाम तक ये सोना अपने घर में भी पहुंच जाएगा। वैसे इस खेत में थोड़ा सा देख सही, जो बिजली का तार है ना ये हाई वोल्टेज वाला है, तो कभी कभी दिक्कत रहती है यार, हवा वगैरह चलती रहती है, आंधी वगैरह आती है, ये तार गिरने के चांसेस है, इसे हटवाना है। शुरू में लग गया था किसी वजह से गलती से खेत में, पर ये रिक्स ही हो सकता है हमारे लिए, 13,000 लाइन है, मतलब एक सेकेंड में सब साफ़ कर देगा, तो हमारे लिए थोड़ा सा खतरा पैदा कर सकता है। खतरा पैदा क्या कर सकता है, खतरा ये खेत में तार, तो इसे यार देखेंगे थोड़ा यार सेफ्टी ऊपर तार कवर हो जाए तो भी सही है हमारे लिए, थोड़ा सेफ्टी वाला रहे ना, गिरे उरे तो आग उग ना लगे। और 7 दिन मेहनत मैंने भी कर डाली है कटाई में इसकी, क्योंकि मैं शहर था आपको तो पता ही है, अब शहर से आए हैं तो गाँव में भाई अपना काम है, अपनी खेती है तो मेहनत तो करनी पड़ती है थोड़ा बहुत। चलो घर चलते हैं। आज का ये जो मेरा ब्लॉग है ये एकदम सिंपल लाइफस्टाइल ब्लॉग है मेरा गाँव का, मैं आपको अपना गाँव भी दिखाऊंगा, अपनी दिनचर्या भी थोड़ी बहुत दिखाऊंगा और थोड़ा सा काम है खेतों का ये भी दिखाऊंगा। तो ब्लॉग में आप बोर नहीं होगे, मज़ा बहुत आएगा ब्लॉग देखने में आपको, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है, बने रहना ब्लॉग में। बगल वाले खेत वाले ने तो हमसे पहले ही अपना गेहूं दान लिया और सारा अनाज घर पे ले गए, हम थोड़ा सा लेट हो गए, और ज़्यादा लेट नहीं है, हमसे सिर्फ एक दिन पहले ही गेहूं दवाई है, हमसे एक दिन पहले ही इनका काम हुआ है जो सारा खेत वाला था, और एक दिन बाद आज हमारा भी हो जाएगा, ज़्यादा लेट नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो सबका रहता है, पर जैसे हर जगह कंपटीशन होता है वैसे एक किसान दूसरे किसान से भी इन सब चीज़ों में कंपटीशन करते हैं कि उसका पहले काम हो गया मेरा पहले नहीं हुआ। ये सब चीज़ें गांव में भी चलती है किसानों में थोड़ी थोड़ी, और पॉजिटिव वे में चलती हैं, नेगेटिव वे में बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो ये जो सामने वाला दिख रहा है आपको ईंट वाला, यही है अपना घर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, कश्मीर नहीं है उसका नाम चुलबुल है, और ये है जम्मू, वो है चुलबुल, कश्मीर तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। और एक जरूरी मेंबर और है हमारे घर का भाई, कुत्ता भी हमने पाल रखा है, कुत्ता क्या, वो तो कार्टून से भी बढ़कर कार्टून है, चूरन नाम है भाई, एक फीमेल डॉग है, उसको भी हमने पाल रखा है, हमने क्या उसने हमको पाल रखा है, वो घर में सोती है एकदम मेन गेट पर जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ, उसको भी दिखाऊंगा अभी आपको। ये कुछ लोकेशन है अपने गाँव की, एकदम प्योर नेचुरल प्राकृतिक वातावरण, और सामने मंदिर भी है, शुद्ध पेड़ पौधे जानवर हम और शुद्ध घर गाँव में, और हम लोग भी एकदम प्योर वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी, बिल्कुल भी नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं, एकदम सीधे लोग, सीधे साधे खान पान, सीधे साधे कल्चर, सीधे साधा गांव। और बगल में हमारे श्री राम जी का भी घर है अयोध्या, तो अयोध्या भी जाएंगे आज, जैसे ही गेहूं की दवाई ख़त्म हो जाएगी और अनाज घर पर आ जाएगा सारा, तो जो अगली वीडियो आएगी वो अयोध्या राम मंदिर की ही आएगी। चूरन रोटी मिली है, यही है भाई तीसरा सदस्य हमारे घर का। तो अभी का अगला प्लान यह है कि जाना है पड़ोस वाली मार्केट जो हमारे गांव से थोड़ी दूर पर है, क्योंकि भाई एक सिम पोर्ट करवानी थी, भाई की सिम है उसको पोर्ट करवानी है, जियो में 5G हमारे गांव में आ चुका है, और भाई को लेने थे कुछ समोसे और पेप्सी, दोपहर के 11:30 बज रहे हैं, तो भाई को समोसे खाने थे, चलते हैं भाई अपनी स्प्लेंडर एरी स्प्लेंडर निकालते हैं और फटाफट चलते हैं मार्केट, काम करवा के आ जाते हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा है ही तो धूप की भी मजे ले लेंगे थोड़ा सा।
सा अपना ये रहा मटर वाला, ठीक है, और इम्पोर्ट अपनी यहाँ से हो जाएगी 50 रुपये में जियो में, और भाई अपना अलग उसका चॉइस है, वो मीठी चटनी वाला समोसा दे रहा है। तो भैया अपना दोनों काम हो गया, सिम पोर्ट वाला भी काम हो गया और समोसे भी खा लिए। भाई गया गाड़ी लेने, अब निकलते हैं फटाफट अपने वतन वापसी घर के लिए। चलो भाई, पिछवाड़ा जल गया यार, गाड़ी धूप में खड़ी थी ना, सीट इतनी गर्म थी, बैठते ही पिछवाड़े तंदूर में बदल गए, ऐसा लग रहा पिछवाड़ा किसी ने तंदूर में धर दिया है, नीचे से पूरा उबल गया है। अनुज भैया हमारे खेत सींचे थे, देखो अनुज एक तो किसान वाला रील बता दियो, तो माटी से जुड़े हुए लोग, माटी मैन बना है। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ मेरा गांव अंदर से कैसा दिखता है। वैसे तो बड़ा छोटा सा गांव है, सिर्फ और सिर्फ 27 या 30 ही घर है इस पूरे गांव में, और सड़कें हमारे गाँव की आधी ऐसी है ईंट वाली खड़ंजा जिसे बोलते हैं, और आधी तो बढ़िया सड़क है। ये देखो हम गाँव में एंट्री लेते हुए गाँव के अंदर से, यह हमारी स्प्लेंडर। वो कुत्ता लेके आया था, हिरन की मुंडी थी, वो कहीं से रात को कुत्ता मार के लेके आया था, हिरन का एक बच्चा, उसी की मुंडी उनके घर के सामने एकदम बिल्कुल गेट के सामने छोड़ के चला गया होगा, तो वही वो डंडे से लेकर जा रहा था उसे फेंकने के लिए। पर ऐसा नहीं करना चाहिए यार, उसको किसी चीज में रख के धर के लेके जाओ, फेंक दो, है ना। स्वीट होम घर आ गए हैं, गर्मी तो होने लगी है भैया, दबा के अभी चल के माठा पीऊंगा छाछ थोड़ा सा, पर फिर सो जाएंगे, आराम करेंगे प्रॉपरली, क्योंकि अब हमें अगले काम के लिए तैयार होना है, और हमारा अगला काम है गेहूं की दवाई। हाँ जी, तो भाई शाम के 5 बज रहे हैं और तिरपाल उलपाल लेके खेत में चल दिए भाई, क्योंकि ट्रैक्टर अभी थोड़ी देर में आ रहा है, फोन करा था तो बगल वाले खेत में किसी के यहाँ दवाई चल दी है गेहूँ की, बस 10-20 मिनट में हमारे खेत में भी आ जाएगा। तो खेत में सबसे पहले हमारा काम ये करना पड़ेगा कि तिरपाल को बिछाना पड़ेगा, जिससे कि अनाज है वो गिरे ना जमीन पर, नहीं तो उठाना मुश्किल हो जाएगा खेत में। और खेतों की घेराबंदी हो रखी है, हमारे यहाँ जानवर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, खुले जानवर, गाय बैल वगैरह, तो उनसे सुरक्षा के लिए हमने तार से घेराबंदी कर रखी थी खेत की, तो वो घेराबंदी खोलनी पड़ेगी एक जगह से एंट्री के लिए, नहीं तो ट्रैक्टर आ नहीं पाएगा, ठीक है, वो काम फटाफट करना पड़ेगा। और ये तिरपाल खेत में चल के बिछा देते हैं, और फोन कर देते हैं आदमी को, एक आदमी है अपना, वो भी आ जाएगा खेत में। फिलहाल इधर का मोर्चा मैं संभालता हूँ और आखिरी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। तो अपनी मेहनत ये रही खेत में, और हवा चलनी थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, दिन में तो पूरी आंधी की तरह चलती है, भूसा वूसा उड़ जाए दूसरे गाँव, इतनी तेज हवा चलती थी भाई। ट्रैक्टर यहाँ से आएगा, तार यहीं से हमें खोलना है, ये वाले तार। तो भाई यही ट्रैक्टर है, ये रहा अपना घर, और ये रहा ट्रैक्टर, यही ट्रैक्टर जाना है उस वाले खेत में, देखो वहाँ पे बैठे हुए हैं सब। अच्छा ये कौन चैनल बनाए, थी 0.5 पर बता रहा, तो भाई गेहूं अपना दाँ चुका है, और जो हमारा ट्रैक्टर चला है वो 55 मिनट चला है, तो 1100 रुपये हुआ इनका, थ्रेसर जिनका था, और 200-200 रुपये उन दोनों का हुआ जो हेल्पर आए थे भाई हमारे दोनों, उनका 200-200 रुपये हुआ है। ये 140 दिन की मेहनत अपने खेत में ये रही, ये अपने दादाजी, आज इनका काम लगा था, आज इनकी हालत टाइट हो गई गेहूँ निकालने में, भाई भी था साथ में,
तो अभी तुरंत घर आया हूँ, और घर आया हूँ सिर्फ भैंस लगाने के लिए, क्योंकि भैंस का टाइम हो रहा था भाई, भैंस का दूध निकालना था, इसलिए आया हूँ फटाफट। भैंस का दूध निकालते ही अपनी अगला काम ये है कि भाई साइकिल नहीं भाई अपना कमर्शियल BMW 4x4 हाइलक्स लेके जा रहे हैं भाई, साइकिल दोनों गेहूँ डोडो के लाने घर में फटाफट रख लेते हैं, टाइम भी हो रहा है यार, अभी नहाना भी है। तो भैंस का दूध निकालते हैं और गेहूँ खेत से घर पे लाते हैं, इतने सारे काम है, फिर नहाना भी है, फिर खाना भी है, फिर वीडियो को भी ये वाली एडिट करनी है। मिलते हैं आपको सारा काम करके। गुड मॉर्निंग सभी भाइयों मित्रों को। तो अभी सुबह हो चुकी है, अगला दिन है ये, 8:30 बज रहे हैं, और यार रात में वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि अंधेरा भी बहुत ज्यादा था और काम भी बहुत ज्यादा था। अनाज को लाते लाते साइकिल से हमें 11 बज गए रात के। और ये देखो भाई अपना खरा सोना जो अनाज लेकर आए थे, ये सारा यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसे स्टोर करना है बड़े बड़े टैंकरों में, वो दो टैंकी है ना, उनमें स्टोर करना है ये अनाज। कुछ ऐसा सीन है, ये ऐसा ही सोती है, मरी हुई जैसी लगती है। और ये रही अपनी जम्मू, लकड़ी खाती हूँ। हाँ जी भाई, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और यार आगे से वीडियोस बनाऊंगा, ये तो कल वाली वीडियो इसको एंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बड़े बड़े ब्लॉग्स आएंगे, काम सारे ख़त्म हो गए ना, अब अयोध्या जाना है, अगला वीडियो यही आएगा राम मंदिर का, और मैं शायद कल या फिर परसों में अयोध्या तो पक्का ही जाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते, देखो फिलहाल तो मैं अभी बगीचे में आ गया घूमते। अब आपको वीडियोस गांव की मिलती रहेंगी, लाइफस्टाइल वाली, घूमने फिरने वाली, मौज मस्ती वाली, ठीक है। फिलहाल तो इसको यहीं पर समाप्त कर देते हैं वीडियो को, मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी तगड़ी सी वीडियो या ब्लॉग में। और अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो जरा सी भी, तो यार प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना यार आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी तगड़े सी वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखो, ठीक है, बाय।